जब भी करते हैं आरसीबी के बाद तो आता है यही दोनों का नाम, विराट और फा। और ये बार ये दोनों ने ही किया पूरा काम, लगभग पूरा ही काम कर दिया। विराट ने लगाई उनकी आईपीएल की छठी शतक, ये साल का पहला आईपीएल, ये सीजन का पहला ये शतक था। विराट शतकों का प्रधान है, क्या कमाल की खेली है पारी, सामने सारे गेंदबाज को ध्वस्त किया है और सामने क्लासन ने भी तो सामने वाले टीम से शतक लगाया। लेकिन होता नहीं है जल्दी से कि दोनों इनिंग में शतक लगे और जो दूसरा हो वो कैसे, एकदम कमाल किया है, धमाल किया है। और यहाँ पर ये मुकाबला एक मीडियम 186 का 186 रन सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया, आरसीबी ने उसके जवाब में 19.2 ओवर में उसको चेस कर दिखाया। विराट ने ज़रूर कुछ बात भी कही उसके बाद, उस पर भी थोड़ी सी डालेंगे हम नज़र। लेकिन पहले चलते हैं, टॉस जीता आरसीबी ने गेंदबाजी करने का किया फैसला। अभिषेक शर्मा 14 गेंदों में 11, त्रिपाठी साहब ने 12 गेंदों में 15, मार्करम ने 20 गेंदों में 18। लेकिन क्लासन उनकी पारी एक अलग थी, 51 बॉल में 104। हैरी ब्रुक्स 19 में 27 और ग्लेन फिलिप्स ने 4 गेंदों में 5 रन बनाया। मोहम्मद सिराज के खाते में 1 सफलता, मैक्सवेल ब्रेसवेल के खाते में 2, शहबाज अहमद के खाते में 1, हर्षल पटेल के खाते में 1। करण शर्मा सबसे महंगे रहे गेंदबाज, 3 ओवर में 45 रन खाया। और चौबाई बैंगलोर की बल्लेबाजी, विराट ने क्या खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ किया शुरुआत, भुवनेश्वर को दिखाया चौकों का रास्ता। 63 बॉल्स 100 विराट कोहली, क्या बल्लेबाजी की है हैदराबाद में, ये क्या क्लासिक विराट नॉक देखने में आए। 12 चौके 4 छक्के के साथ और 5 डुप्लेसिस कप्तान, उनको वो सर से अपने येलो जो ऑरेंज कैप है वो जाने नहीं देंगे, ये वही उन्होंने निर्णय किया है। 47 बॉल में 71 रन उन्होंने बना दिया, 7 चौके और 2 छक्के के साथ। और मैक्सवेल ने 3 गेंदों में 5 और माइकल ब्रेसवेल ने 4 गेंदों में 4। उसके साथ आरसीबी ने जीता ये मुकाबला 8 विकेट से वो मुकाबले में जीत मिली। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 1 विकेट, टी नटराजन 1 विकेट, सिर्फ यही 2 विकेट गिरा और फिर आरसीबी ने जीत कर एक और बार जश्न मनाया। तो ये मुकाबला गया आरसीबी के नाम, हैदराबाद बनाम आरसीबी ये मुकाबला हुआ आरसीबी का नाम। तो आरसीबी पहुंच गई है चौथे स्थान पर। आप देख रहे थे क्रिकेट विद तारा जमन, विद तारा जमन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।